के लोगों को कोई अधिकार नहीं है। ये दिल्ली के लोगों के न केवल अधिकार छीने गए, बल्कि एक तरह से दिल्ली के लोगों को तमाचा मारा गया, दिल्ली के लोगों का अपमान किया गया कि तुम जो मर्जी सरकार चुन लो उसको काम नहीं करने देंगे हम। ये मोदी सरकार का संदेश है दिल्ली के लोगों को, आप जो मर्जी सरकार चुनिए हम आपको काम नहीं करने देंगे। ये अध्यादेश आया है और ये अध्यादेश अब बाद में मानसून सेशन में संसद में आएगा, तो संसद में जब आएगा तो राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं है, 238 सदस्य हैं जिसमें 93 केवल बीजेपी के हैं, तो अगर सारी नॉन बीजेपी पार्टीज एक साथ आ जाएं तो इस अध्यादेश को गिराया जा सकता है। तो इसीलिए आप लोग देख रहे हैं कि मैं एक एक पार्टी अध्यक्ष से जाके मिल रहा हूं और उनकी हम सपोर्ट मांग रहे हैं कि जब ये संसद में बिल आए तो वो दिल्ली के लोगों के साथ खड़े हों, दिल्ली के लोगों को न्याय दिलाएं। दिल्ली के लोगों के साथ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, दिल्ली के लोगों का बहुत बड़ा धोखा हुआ है दिल्ली के लोगों के साथ। तो इसी सिलसिले में मैं ममता बनर्जी से, मैडम से मिलने गया था, उन्होंने सपोर्ट जाहिर किया। ठाकरे साहब से मिलने गया था, उन्होंने सपोर्ट जाहिर किया। एनसीपी से मिलने गया था, उन्होंने सपोर्ट जाहिर किया। केसीआर साहब से मिलने गया था, उन्होंने सपोर्ट जाहिर किया। उसी सिलसिले में आज मैं सीताराम येचुरी जी से, उनकी टीम से और सीपीएम पार्टी से सपोर्ट मांगने के लिए आया कि राज्यसभा में आप हमें सपोर्ट कीजिए। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सर कि आपने आप अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से दिल्ली के लोगों के साथ खड़े होने का आपने निर्णय लिया, हमें सपोर्ट दिया। और आज आपके दफ्तर में जब आप हम आए आपने इतना मान सम्मान दिया, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू और थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप और आपकी टीम हमारे दफ्तर आए। और जहाँ तक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का सवाल है, 19 मई को ये अध्यादेश जारी किया मोदी सरकार ने, 20 मई को हमने इसका पूर्ण खंडन किया। हमने कहा ये हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था और जनतंत्र के खिलाफ, और एक तरह से देखें ये कंटेंट ऑफ कोर्ट भी बनता है कि कोर्ट ने इस तरीके से वर्डिक्ट दिया और उसको आप रिवर्स कर रहे हो कि ऑर्डिनेंस के थ्रू। बुनियादी जो स्तंभ है हमारे संविधान के, उनमें से एक है फेडरलिज्म, यानी केंद्र और राज्य की सरकार के बीच में। अब सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो रिलेशंस है उसको तो पूरा टोटली उल्लंघन करते हुए डिस्ट्रॉय कर रहा है ये मोदी सरकार। अब स्टेट्स के अधिकारों के ऊपर बहुत हमले हो रहे हैं, बहुत तरीके के हमले हो रहे हैं, और उनमें से ये एक बहुत ही ब्रेजन तरीके से जिस तरीके से ये ऑर्डिनेंस लिया गया, ये हमारे संविधान का उल्लंघन है। हम उस हिसाब से इसका पूरा का पूरा विरोध करते हैं, खंडन किया है, और राज्यसभा में या कहीं पर भी जब मौका मिलेगा इसके ऊपर वोट डालने की, हम इसका विरोध में डालेंगे सीपीआई, ये हम प्रतिबद्ध हैं। हमारी अपील है बाकी सब पार्टियों से, यहाँ पे सवाल पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में नहीं है, ये सीपीएम या आप या कांग्रेस या आरजेडी, मतलब सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि देश का संविधान। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।